हेलो फ्रेंड्स, पीडीजी किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मशरूम की सब्जी। तो अभी हम बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले पैन में ऑयल ऐड करना है। ऑयल की क्वांटिटी आप अपने सब्जी के अनुसार ले सकते हो। ऑयल अच्छे से गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच राई और जीरा। राई और जीरा ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को मैंने बिल्कुल छोटा छोटा बारीक कट कर लिया है ताकि वो जल्दी से पक जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट। पेस्ट को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। प्याज और अदरक लहसुन की पेस्ट को हल्का लाइट ब्राउन होने तक आपको पकाना है। उसके बाद हमें इसमें डालना है बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को भी मैंने यहाँ पे अच्छे से बारीक कट कर लिया है ताकि वो प्याज के साथ जल्दी से पक जाए। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो प्याज और टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और 1 चम्मच धनिया और जीरा पाउडर। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है स्वाद के अनुसार नमक। और अभी सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे तब तक पकाना है जब तक हल्का हल्का तेल ना छूट जाए। तो मिनिमम आपको 1 मिनट तक इसे पकाना है और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। अगर आप पानी डालोगे तो सब्जी की टेस्ट उतनी अच्छे से नहीं आएगी। तो इसलिए अगर आप बिना पानी की मशरूम की सब्जी बनाते हो तो ये बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मशरूम को छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लिया है। तो आप अभी इसे मसाले में ऐड करना है। अभी इसे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और तब तक मिक्स करना है जब तक सारे मसाले मशरूम को लग ना जाए। तो अभी आप देख सकते हो सारे मसाले मशरूम को अच्छे से लग चुके हैं। तो अभी हमें इसे ढक्कन लगा के 5 मिनट तक पकाना है। अभी आप देख सकते हो ये मशरूम की सब्जी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है और इसमें अभी मैं डाल रही हूँ धनिया। तो दोस्तों, अभी ये मशरूम की सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो आप ज़रूर बनाइएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you.